हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ स्क्वायर निकालने की एक ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक। कैसे आप 50 से जस्ट बिलो एंड 50 से जस्ट अबव नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो भी 5 सेकंड के अंदर। तो इसके लिए आपको बस सिंपली दो स्टेप याद करने हैं एंड वो दोनों स्टेप बहुत ज़्यादा ईजी हैं। अगर आप वो दो स्टेप को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप किसी भी नंबर का जो कि 50 से जस्ट बिलो एंड 50 से जस्ट अबव, 50 के जो नियर नंबर्स होते हैं, आप उनका स्क्वायर एकदम ईजिली 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपको निकालना है, सपोज 53 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आपको इसके लिए एक चीज़ और याद रखनी है। आपको 25 नंबर आपको अपने माइंड में याद रखना है। जब भी आप 50 के नियर नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आपको 25 एक फिक्स नंबर है, आपको ये याद ही रखना है। अगर आपको 50 के नियर नंबर का स्क्वायर निकालना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे को 53 का स्क्वायर निकालना है। तो हमें जब भी 50 के नियर नंबर का स्क्वायर निकालना है तो स्ट्रिक को कैसे फॉलो करना है, तो जो आपका स्टेप नंबर फर्स्ट है वो ये है कि आपको देखना है कि वो जो नंबर है जिसका आपको स्क्वायर निकालना है वो 50 से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ जो 53 है वो आपका 50 से 3 ज़्यादा है। ओके, जितना भी ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा है 50 से, तो 25 में उस नंबर को ऐड करना है जितना ज़्यादा है। अगर वो 50 से कम है, जितना कम है उसको 25 में घटाना है। तो यहाँ पे जो 53 है वो आपका 50 से 3 ज़्यादा है, तो 3 आपको क्या करना है, ऐड करना है। किस में ऐड करना है, आपको 25 जो आपका फिक्स नंबर है, तो 25 में मैं 3 ऐड करूँगा तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 28। एंड जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर निकाल के आपको ऐड करे नंबर में पीछे लिखना है। तो 3 ज़्यादा था तो सिंपली आपको 3 का स्क्वायर पता होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो अगर आपको सिंपल एक 1 डिजिट का नंबर मिले तो आप उसके पहले 0 लगाते हैं, तो ये आपने जो ऐड करा था उसके बाद में लगा देंगे, तो ये आपका 53 का स्क्वायर आपने बहुत ही जल्दी निकाल लिया है। मैंने आपको समझाया तो मुझे टाइम लग रहा है, अगर आप इसको अपने आप हाथों से ट्राई करेंगे तो आप बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, अब मैं जल्दी से करके दिखाऊंगा। आपको निकालना है 52 का स्क्वायर, तो आप कैसे निकालेंगे, आप देखिए ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से 2 ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, आपको जितना ज़्यादा है उसको 25 में ऐड करना है। तो 25 में मैं अगर 2 ऐड करता हूँ तो मेरा आएगा 27 एंड 2 का स्क्वायर होता 4, ये सिंगल डिजिट है तो पहले 0 लगाऊंगा एंड 4। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी मैंने 52 का स्क्वायर निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते जाओ। अब मैं 50 से लेस नंबर वाले का ले लेता हूँ, जो 50 से जस्ट बिलो होते हैं। सपोज यू हैव टू फाइंड आउट 47 का स्क्वायर, आपको 47 का स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे अपना टाइम सेव करके आप 47 का स्क्वायर बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि आपको देखना है कि वो नंबर जिसका आपको स्क्वायर निकालना है जो 50 के नियर है वो 50 से कितना कम है या फिर कितना ज़्यादा है। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये 47 जो है वो 50 से 3 कम है, तो जितना कम है या फिर जितना ज़्यादा, अगर कम है तो 25 में से माइनस करना जो कि आपका फिक्स नंबर है, और अगर ज़्यादा है तो 25 में ऐड करना है। हम देख रहे हैं कि 47 जो है वो 50 से 3 कम है, तो 3 कम है तो हमें 25 में से क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम 25 में से 3 माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 22। एंड जितना कम है और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर निकाल के आपको कहाँ लिखना है, एंड में। तो 3 कम है तो 3 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 का एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो इससे पहले 0 लगा के आप 9 लिखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आपका 47 का स्क्वायर भी इजीली आपने निकाल लिया है। अब मैं आपके सामने 57 का स्क्वायर निकालने जा रहा हूँ एकदम इसी ट्रिक से, कि कैसे आप इस ट्रिक को फॉलो करते हुए 57 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये 50 से अबव है, तो 50 से ये ज़्यादा है, तो 50 से कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है। और मैंने क्या बताया था, जितना ज़्यादा है उसको 25 में ऐड करना है, और अगर वो कम है 50 से तो उसको 25 में से माइनस करना है। तो आप देख रहे हैं ये 50 से 7 ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, आपको 25 में 7 ऐड करना है। तो जब आप 25 में 7 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 32। एंड जितना ज़्यादा है और जितना कम है उसका स्क्वायर निकाल के आपको लिखना है उस नंबर के एंड में। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से ज़्यादा है 7, तो 7 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा आपका 49। अब 49 टू डिजिट नंबर है तो हमको 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ हम सिंपली लिख देंगे 49। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे एकदम इजी वे में आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी वीडियो पाने के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर देना लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी।
जब तक के लिए थैंक्स।